कांग्रेस विधायक दल में बहुत सारे नए चेहरे नजर आए, युवकों को मौका मिला और युवक सफल हुए। जीतू पटवारी जी हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, स्टेट यूथ कांग्रेस के जयवर्धन तो पहली बार पॉलिटिक्स में आया और एमएलए बना। लेकिन मेरे लिए और गर्व की बात है कि मेरे पिता भी यहाँ के विधान मध्य भारत विधानसभा के सदस्य रहे, मैं भी रहा, मेरा भाई भी रहा और अब ये जयवर्धन की भी शुरुआत हुई है। सभी नवनिर्वाचित माननीय विधायकों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई और उनको केवल एक ही बात मैं कहूँगा कि मैं भी विपक्ष में रहकर ही मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था और अच्छा विधायक होने के लिए आवश्यक है कि विपक्ष का अनुभव उसके पास हो और विपक्ष के में रहते हुए ही प्रतिभा को भरने का अधिक अवसर रहता है। इसलिए मैं यही कहूंगा जितने भी पहली बार हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक चुन कर आए हैं कि वे इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं और एक अच्छा विधायक बने। और अच्छे विधायक को केवल शोर शराबा हल्ला करना वेल में जाना अच्छा विधायक ही नहीं है। अच्छा विधायक वो होता है जो जनता की आवाज को विधानसभा के नियम और प्रोसीजर्स में लाकर जनता की आवाज को उठाते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा करके अपनी बात कहे, वो सफलता नए विधायक की होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी नए पहली बार विधानसभा में चुनकर आए हैं वे अच्छा विधायक कैसे बने इसके बारे में अध्ययन करें। जो हमारे निजी विधान की प्रोसीजर्स हैं उनको उनका अध्ययन करें, कॉल शक्धर की किताब पढ़ें, रेस पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पढ़ें ताकि एक अच्छे विधानसभा का सदस्य को बन सके। मध्य प्रदेश की नई सरकार बनी है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। शायद मध्य प्रदेश की जनता को ऐसी ही सरकार चाहिए जो व्यापम के माध्यम से नौजवानों को ठगे, ऐसी सरकार चाहिए जहां की दंगे फसाद अधिक से अधिक होते रहें, चाहे ऐसी सरकार चाहिए जहां किसानों को जेल भेजा गया हो जाए, चाहे ऐसी सरकार चाहिए उनको हमारे मध्य प्रदेश की जनता को जिनको जो किसानों को खाद काला बाजारी में खरीदना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश का राज भाजपा को सौंपा है, शिवराज सिंह चौहान को सौंपा है, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि व्यापम के मामले में हजारों लाखों युवकों के साथ धोखाधड़ी हुई। मेरे कार्यकाल में हमने ये नियम बना दिया था कि कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के अंदर जब तक उस युवक ने 10वीं या 12वीं कक्षा मध्य प्रदेश से पास न की हो तब तक उसको परीक्षा में बैठने के लिए इजाजत न दी जाए और सरकारी नौकरी में भी उन्हीं को लगाया जाए जो कि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड। वो नियम उन्होंने बता दिए जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो अधिक से अधिक लड़के जो हैं बाहर के निकल गए, हरियाणा के, बिहार के, यूपी के, और मध्य प्रदेश की युवकों को मौका नहीं मिला। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज की भर्ती में भी
बहुत सारे लोग बाहर के भर्ती हुए और बहुत बड़ा फ्रॉड युवकों के साथ किया गया। लाखों लोगों ने मेडिकल की पीएमटी में भर्ती के लिए पैसा जमा कराया, लेकिन एक गिरोह यहाँ काम कर रहा और गिरोह का संरक्षण मानव संसाधन मंत्री टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत शर्मा के अंतर्गत था और सुधीर शर्मा जी के अंतर्गत के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरे व्यापम का घोटाला किया। सारी बातें साफ हो जाने के बावजूद भी केस रजिस्टर हो गया, एसटीएफ को सौंप दिया गया, छोटे कर्मचारी और डायरेक्टर कंट्रोलर एग्जाम अरेस्ट हो गए, लेकिन जिनके संरक्षण में ये सब हुआ आज तक उस पर हाथ नहीं डाला गया। लक्ष्मीकांत शर्मा जी को बुलाया गया, छोड़ दिया गया। सुधीर शर्मा जी को बुलाया गया, छोड़ दिया गया। ये एसटीएफ की निष्पक्षता पर आज प्रश्न लग गया। क्या इस घोटाले की जानकारी लक्ष्मीकांत शर्मा जी को नहीं थी? क्या इस घोटाले की जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं थी? मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले में कोई जांच नहीं कर पाएगी। छोटे लोगों को तो तुरंत अरेस्ट कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, बड़े अधिकारियों के खिलाफ ये कुछ कार्रवाई नहीं करेगी। इस पूरे केस में डॉक्टर अजय मेहता का क्या रोल रहा है हम जानना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा को कितना पैसा दिया है एसटीएफ के पास जानकारी है, उसको उजागर करना चाहिए। करप्शन के मामले में कहते हैं जीरो टॉलरेंस होगा, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी विश्वसनीयता कायम करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी तो साहस दिखाइए। ये जमाना ट्रांसपेरेंसी का है और ट्रांसपेरेंसी के अंदर जो कॉल रिकॉर्ड पंकज त्रिवेदी के हैं उजागर करिए, जो कंप्यूटर पर किन किन को पैसा दिया गया है उसकी जांच, उसकी जो डिस्क में जानकारी मिली है उसको उजागर करिए। आप में साहस नहीं है मुख्यमंत्री जी, मेरे ऊपर आरोप लगता था तो मैंने सीबीआई को भी जांच के लिए लिखा था कि जांच करे सीबीआई। मेरे ऊपर उमा भारती जी ने, सुंदरलाल पटवा जी ने, विक्रम वर्मा जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मैंने तीनों के खिलाफ मानहानि का दावा किया। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं और आपके नातेदार रिश्तेदारों का माइनिंग में, नातेदार रिश्तेदारों का प्लॉट आवंटन में और उनका इसमें व्यापम में शामिल होने का मैं आरोप लगा रहा हूं, तो मुख्यमंत्री जी मुझ पर मानहानि का दावा करने का साहस दिखाइए या सीबीआई को सौंपने का साहस दिखाइए। वो नहीं करेंगे क्योंकि अगर जांच हो गई तो शिवराज सिंह चौहान बच नहीं पाएंगे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहा था बिल्कुल कोई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, 250 दुकानें खोल दी। कहते कुछ है करते कुछ है, झूठे विज्ञापन आकर देते हैं, झूठे विज्ञापन देते हैं। स्पेन की सड़कों का बता दिया था कि मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, ईरान की खेती को बता दिया था मध्य प्रदेश की खेती है, पश्चिम बंगाल झारखंड के सड़कों को बता दिया मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। और मध्य प्रदेश की सड़कें अगर आपको देखनी है तो जरा मध्य प्रदेश की उन सड़कों पे चले जाइए जो हमारे समय बनी। अब ये विज्ञापन आया है स्वस्थ ग्राम अभियान का, जहां शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में गिरावट के कुछ आंकड़े दिए हैं। मैं बधाई देता हूं।